नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम का आईपीएल 2022 में नया कप्तान कौन होगा, रेस में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, कौन हो सकता है आरसीबी टीम का नया कप्तान आईपीएल 2022 से, इसके बारे में डिटेल में हम सारी बातचीत आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको बताऊँगा कि कौन हो सकता है आरसीबी टीम का अगला कप्तान। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसे बनाना चाहिए आरसीबी टीम मैनेजमेंट को उनका अगला कैप्टन, क्या वो एबी विलियर्स होंगे या फिर कोई और ही प्लेयर होगा, इसके बारे में हम खुलकर विस्तार से आगे चर्चा कर लेते हैं। वही दोस्तों, आगे हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप एमपीएल ऐप पर पूरे टी20 वर्ल्ड कप में खेलकर पैसे कमा सकते हो। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। इसके अलावा दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर से भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरा आईपीएल सीजन मैंने एमपीएल पर ही टीम बनाया है, वहीं टी20 वर्ल्ड कप के पूरे सीजन में मैं एमपीएल पर ही टीम बनाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। एमपीएल की खास बात यह है कि यहां पर आप 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि कुल 99 टीमें बना सकते हो। तो भाइयों, लेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ डाउनलोड करो और आज से ही मेरे साथ टीम बनाओ, पैसे कमाओ। जितनी ज़्यादा टीमें बनाओगे उतने ही ज़्यादा पैसे कमाओगे। कल के मैच में मैंने ढेर सारे पैसे कमाए थे, आज की मेरी टीम जो है कुछ इस प्रकार से होने वाली है। वहीं दोस्तों, एमपीएल पर फायदे की बात यह है कि यहाँ पर पहले 12 मैचों के लिए सीजन पास जो है सिर्फ 35 रुपये में मिल रहा है, जिसको लेते ही आप फ्री के ग्रैंड कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई, लेट मत करो, फटाफट पास ले लो, एमपीएल पर खेलना स्टार्ट कर दो। आईपीएल 2021 में विराट कोहली ने ये ऐलान कर दिया था कि वो इस सीजन के बाद आरसीबी टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। आईपीएल 2022 से वो आरसीबी टीम के लिए मात्र एज अ प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे, ना कि कप्तानी करते हुए। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आरसीबी टीम का अगला कप्तान कौन बनेगा। कई फैंस ये मानते हैं कि आरसीबी टीम एबी डिविलियर्स को अगला कप्तान बना देगी, वहीं कई ये भी मान रहे हैं कि मैक्सवेल को भी अगला कप्तान बना देना चाहिए। आरसीबी टीम में भी कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें आरसीबी रिटेन करके अपना अगला कप्तान बना सकती है, जिसमें मैक्सवेल और डिविलियर्स का नाम सबसे बड़ा है। वहीं दोस्तों, इनके अलावा भी आरसीबी टीम के पास कुछ बड़े ऑप्शंस होने वाले हैं आईपीएल 2022 में, जहां पर भाइयों खबर ये भी है कि केएल राहुल जो है पंजाब किंग्स को छोड़ने वाले हैं, तो वो एक अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा दोस्तों, डेविड वार्नर को हैदराबाद की टीम रिलीज कर सकती है, तो वो ऑक्शन में आ जाएंगे और ऑक्शन से खरीद करके आरसीबी टीम उन्हें भी अपना अगला कप्तान बना सकती है। वार्नर के बाद दोस्तों, जॉस बटलर भी एक ऐसे नाम है जिन्हें राजस्थान की टीम रिलीज कर सकती है। राजस्थान की टीम स्टोक्स और आर्चर को रिटेन कर लेगी, जिसके बाद बटलर जो है रिलीज हो जाएंगे। और अगर बटलर रिलीज हो गए तो वहां पर आरसीबी टीम के पास एक और अच्छा विकल्प होगा बटलर के रूप में, जिन्हें वो खरीद करके ऑक्शन से अपना नया कप्तान बना सकती है। इसके बाद दोस्तों, बटलर के बाद वहां पर भारतीय ऑप्शंस में सूर्य कुमार यादव के रूप में एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस की टीम रिलीज भी कर सकती है, और यादव अगर रिलीज होते हैं तो वो ऑक्शन में आ जाएंगे, ऑक्शन से खरीद करके आरसीबी टीम उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर देगी, जिसके बाद उन्हें चाहे तो अपना नया कप्तान भी बना सकती है। तो यही सारे विकल्प होने वाले हैं आरसीबी टीम के पास, ये 4 या 5 विकल्प होंगे, अच्छे विकल्प होंगे जिन्हें ये अपना नया कप्तान बना सकते हैं। अब देखना ये होगा कि दोस्तों, क्या ये एबीडी या फिर मैक्सिको भी बनाते हैं, या फिर ऑक्शन से किसी खिलाड़ी को खरीद करके अपना नया कप्तान बनाते हैं। ये थी हमारी वीडियो आरसीबी टीम के नए कप्तान को लेकर। आपको क्या लगता है कि कौन होगा आरसीबी टीम का नया कप्तान, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने एमपीएल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी आज से डाउनलोड कर लीजिए और आज से खेलना शुरू कर दीजिए।